हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमित सिंह एंड वी आर बैक विद येट अनदर सेगमेंट ऑफ इंश्योरेंस की बात। एंड इन दिस एपिसोड वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्लेम कार इंश्योरेंस आफ्टर एन एक्सीडेंट। जनरली जब भी कार एक्सीडेंट होता है तो लोग पैनिक करते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, और कुछ केसेस में तो लोग इसलिए भी पैनिक करते हैं क्योंकि उनको कार इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस नहीं पता होता है आफ्टर एन एक्सीडेंट। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्लेम कार इंश्योरेंस आफ्टर अ कार एक्सीडेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू आफ्टर अ कार एक्सीडेंट इज टू इंश्योर दैट द पीपल इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट आर सेफ, and if not, please reach out to the nearest hospital. Today we have with us Gaurav Surana, who looks after the claims department at Policy Bazaar. He will make you understand the important things that you need to keep in mind while claiming car insurance after an accident. So let us understand what is car insurance. Car insurance is a promise which insurance company gives to the customer that in case of an accident or damage to your vehicle, the insurance company will cover those damages. Now we have to understand the claims process. Claims process is fairly simple. अगर हम एक बार समझ लें प्रोसेस तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और हम एक्सीडेंट के समय पैनिक नहीं करेंगे। बेसिकली देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस क्लेम। फर्स्ट इज द कैशलेस क्लेम, सेकंड इज अ रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम में ये होता है जब आप गाड़ी अपनी रिपेयर कराते हैं आपको वर्कशॉप को पैसे अपफ्रंट नहीं देने पड़ते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर कर लेती है। सेकेंड होता है रीइंबर्समेंट क्लेम, जहाँ पर आपको अपफ्रंट पैसे देने होते हैं वर्कशॉप को रिपेयर खत्म होने के बाद, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका अमाउंट जो है वो रीइंबर्स करती है आपको। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए, जब भी हमारा एक्सीडेंट हो हम पैनिक नहीं होंगे। अगर हम पैनिक होते हैं तो डैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। सेकंड, अगर आपकी जब कार डैमेज हो गई है, एक्सीडेंट हो गया आपका, प्लीज़ कार को अपने आप रोड के साइड पर लेके जाइए। उसके बाद आप सबसे पहला काम करिए इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करिए और अपना क्लेम इंटीमेट कराइए। आप ये काम पॉलिसी बाजार को भी बता सकते हैं, पॉलिसी बाजार विल हेल्प यू विद द क्लेम इंटीमेशन। सो नाउ कम्स द पार्ट वेयर आपको गाड़ी वर्कशॉप लेके जानी है। आप जब वर्कशॉप लेके जाते हो वो एक पार्टनर्ड वर्कशॉप हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी का जो आपको कैशलेस प्रोवाइड करेगा, वो एक आपका प्रेफर्ड वर्कशॉप हो सकता है जहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि आपको कैशलेस क्लेम मिल जाए। आपको फिर रीइंबर्समेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप गाड़ी लेके जाते हो वर्कशॉप पे, वर्कशॉप आपको एक एस्टिमेट देगा। एस्टिमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बेसिस पे द सर्वेयर डिसाइड्स कि आपके कार पे क्या रिपेयर होना है बेसिस द कॉज ऑफ लॉस विच यू हैव मेंशन्ड ऑन द क्लेम फॉर्म। जब एस्टिमेट आता है सर्वेयर लुक्स एट द एस्टिमेट एंड गिव्स अ वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल ऑन दैट एस्टिमेट। अनलेस वी रिसीव अ वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल वी शुड नॉट स्टार्ट द रिपेयर ऑन द कार। दैट्स अ क्लियर मैंडेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये सारा काम होने के बाद जब आपको वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल मिल गया है गाड़ी का रिपेयर आप शुरू करवा सकते हैं वर्कशॉप से। रिपेयर एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको फिर से एक सर्वे करवाना पड़ेगा कि आपका जो रिपेयर है वो परफेक्टली हो गया है, और उसके साथ जो रिपेयर का इनवॉइस होगा और एक पेमेंट रिसीट होगी। कुछ पार्ट होता है जो कि आपको वर्कशॉप को पे करना पड़ता है विच आर नॉट कवर्ड इन योर इंश्योरेंस, उसका पेमेंट और आपका जो इनवॉइस है वो आपको सर्वेयर को देना है। सर्वेयर उसके हिसाब से अपना एक फाइनल सर्वे रिपोर्ट बनाएगा। फाइनल सर्वे रिपोर्ट बनने के बाद इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट यू कैन पे टू द वर्कशॉप एंड टेक योर कार। In case of cashless, the documents are sent to the insurance company. They will give a delivery order basis the final survey report. And basis that delivery order, you can take your car. और उसके बाद insurance company workshop को payment कर देगी. So insurance claim अगर आप देखो बहुत ही simple process है. Just because हमें पूरा process पता नहीं होता है तो हम panic करते हैं. In case हम panic करते हैं we need to understand the complete process. और उसके बाद हम क्लेम आसानी से ले सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली चीज़ जो है आपकी पॉलिसी कॉपी। पॉलिसी कॉपी आप हमेशा अपने पास हैंडी रखें इन केस ऑफ अ क्लेम। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो पॉलिसी कॉपी से देख के इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं। सेकेंड आती है आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्लेम फॉर्म, जो आप क्लेम जब इंटीमेट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को या पॉलिसी बाजार को, वी विल सेंड अक्रॉस द क्लेम फॉर्म टू यू एंड यू कैन फिल दैट क्लेम फॉर्म एंड सबमिट द क्लेम। इसके बाद आता है आपका एस्टिमेट, एस्टिमेट जो कि वर्कशॉप आपको प्रोवाइड करता है जब आप वर्कशॉप चले जाते हो या आपकी गाड़ी वर्कशॉप पहुँच जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, जो कि है हमारी प्रीवियस ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को चेक करना होता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो आपने प्रॉपर्ली भरी है इस बार की। अगर कुछ डिटेल्स गलत होती है इन दैट केस देयर कैन बी एडवर्स सिचुएशन जहाँ पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिए जब भी आप पॉलिसी कॉपी ले रहे हैं या जब भी आप पॉलिसी बुक कर रहे हैं आपकी सारी डिटेल्स करेक्टली मेंशन हो ताकि आपका क्लेम जो है वो बिल्कुल हैसल फ्री प्रोसेस में हो जाए।
ये है बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो क्लेम के टाइम चाहिए होती है। आपका अगर क्लेम आता है यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू पॉलिसी बाजार। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-258-5881। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे क्लेम्स के एक्सपर्ट हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो आप हमारा माई अकाउंट है उसके थ्रू से आप क्लेम रेज कर सकते हो ताकि हमारे पास डिटेल्स आ जाए और हम उसके बेसिस पे आपको हेल्प कर सकें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, हमारी ईमेल आईडी है spotclaims@policybazaar.com। ईमेल पे प्लीज़ आप मेंशन करिए अपनी गाड़ी का नंबर और अपनी पॉलिसी नंबर, जिसके बेसिस पे हम आपकी पॉलिसी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आपको हेल्प कर सकेंगे इन अ बेटर वे। ऑल्सो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपकी पॉलिसी कॉपी के ऊपर दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको यूज़ करें ताकि हम आपको बेटर वे में हेल्प कर सकें। Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friends and family so that they can get a fair idea that how to claim car insurance after an accident.